वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो यहाँ सब काम वगैरह हो चुका है, तो आज मेरा मन कर रहा है कि कुछ बनाए देसी स्टाइल में। तो आपको पता है फ्लैट वगैरह में रहते हुए और चूल्हा या कुछ चलाते हुए बहुत मुश्किल होती है, तो मैं दिखाती हूँ मैंने किस तरह से लुक दिया है। और तो मैं आज चला रही हूँ, अभी मेरे पास फिलहाल बारबेक्यू है तो मैं उसको चूल्हे की तरह ही यूज़ करूँगी। तो मैंने फिलहाल आगे कर्टन लगा दिया है, तो मैं दिखाती हूँ मैं किस तरह से कर रही हूँ। तो पहले इसमें मैं जला लेती हूँ, फिर मैं इसके ऊपर हांडी रखूँगी। अगर आप जलाना चाहते हैं तो मैंने किसी से देखा था, तो वो पन्नी रखते थे, पन्नी के ऊपर जला लेते थे और जिससे जल्दी आग लग जाती थी, चाहे वो कोयला हो या कुछ हो। तो मैंने पहले पन्नी में आग लगाई है, उसके बाद इसमें लग जाएगी। तो देखिए यहाँ पर आग जलना शुरू हो चुकी है और उस बैग में कच्चे कोयले होते हैं ना, वो रखे हुए हैं। यहाँ लगा है मेरा कड़ी पत्ता और क्रिसमस ट्री और एलोवेरा। तो चलिए पहले हम यहाँ इस पर अब रख लेते हैं हांडी। तो मैंने बेटी को बोला है कि मुझे जो मैंने दाल भिगोई थी, मैंने भिगोई है अरहर की दाल, मूंगफली दाल और क्या कहते हैं उसको भिगोया है चने की दाल को, तो वो इस हांडी में डालूँगी। पहले रख लेती हूँ इसमें, कहीं पानी गर्म हो जाए तो पानी मैं हांडी में लाई हूँ। देखिए तो ये हैं वो तीनों दालें। तो आशी इसमें पानी भी डाल के ला के दे चुकी है मुझे। तो चलिए अब रखते हैं उस हांडी को। तो यहाँ मैंने ओटीजी का नेट था वो रख दिया है और इस पर मैंने दाल पकने रखती है। तो बस इसमें मैं नमक वगैरह डालूंगी और इसको ढक के रख दूँगी। मैंने यहाँ पे नमक और हल्दी डाल के दाल को ढक के रख दिया है। तो यहाँ देखिए दाल का पानी गर्म हो चुका है और इसमें झाग भी बनने लगी है। चलिए तो ये हो रहा है, तो हम वहाँ पर पार्टी का वो तैयार कर लेते हैं बैटर। तो पार्टी के लिए मैं यहाँ डाल रही हूँ एक कटोरी आटा और आधा कटोरी सूजी डालूँगी। और यहाँ है मेरे पास आधी कटोरी सूजी और मैं इसमें करूँगी आधा चम्मच छोटी चम्मच अजवाइन। नमक हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और बस अब इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और इसे गर्म पानी से मलूँगी। तो यहाँ है मेरे पास बहुत मतलब छोटी आधी चम्मच बेकिंग पाउडर। तो यहाँ मैंने बेकिंग पाउडर भी डाल दिया है और मैंने जो मैंने रखा था वो बॉईल हो चुका है, तो बस अब इसे मिक्स करके और सख्त आटा मल लेंगे इसका। तो बस इसको अब आटे को मलना है हमें। तो आटा मल चुका है, तो बस अब मैं इसके ऊपर ऑयल लगा के थोड़ा सा और इसे ढक के रख दूँगी। तो यहाँ मैंने इससे ऑयल लगा दिया है, तो बस मैं इसके ऊपर प्लेट रख के इसको रख दूँगी आधा एक घंटा। उबल चुका है और देखते हैं यहाँ पर जो मैंने रखी थी दाल तो वो भी उबल ही रही है। तो मुझे लेने जाना है तुलसी, तो मैं तुलसी का प्लेट आती हूँ। कहते हैं सावन नहीं लाना चाहिए, उसके बाद नहीं लाया भादो लग जाएगी आपको हैं। तो कहते हैं भादो में नहीं लाते हैं, तो चलिए तब तक ये दाल तैयार हो रही है तो मैं जाके पौधा ले आती हूँ। तो हम तुलसी का पौधा लेके आ चुके हैं और ये मैडम जी देखिए कह रही है, मैं ना अपनी सासू मम्मा को बता रही हूँ कि हमारे ना चूल्हे पे दाल बन रही है, तो वो कहेंगे मुझे भी। और क्योंकि आपको पता है जो भी ऐसे मंदी आज पर बनती है चीज़ें वो कितनी अच्छी बनती है ना। तो चलिए देखिए आज हमने अजूबा कर दिया, फ्लैट के अंदर रहते हुए हमने चूल्हे पर कुकिंग कर रहे हैं हम। देखिए तो आशी देखिए कैसे देख रही हैं। आशी के लिए ना बहुत आशी के लिए बहुत नई सी चीज़ है कि पहले कभी इसने ये सब देखा नहीं है, तो ये फर्स्ट टाइम देखे। कैसा लग रहा है आशी तुम्हें देख के? अच्छा लग रहा है। और आप बताइएगा इस चीज़ को करते हैं? हाँ करने वाले करते भी हैं और जब हम खाएंगे तब आपको बताएंगे कि कैसी बनी है, तो आप भी ट्राई कीजिएगा। तो बस बाटी सीख ही रही थी और काफ़ी अंधेरा हो चुका था, तो मुझे यहाँ से इसको हटाना भी था, दूसरी बैल्कनी में ले जाना था क्योंकि मच्छर वगैरह भी आ जाते, तो मैं यहीं बैठी हूँ गोली मार के। पूरा देसी लुक ले रहे हैं आज हम और टाइम हो चुका है, हम फोन है 8 बज चुके हैं, फिर ये आ जाएंगे तो एसी चलाना पड़ेगा रूम का। तो मैं कह चल रहा हूँ इनके आने से पहले ये सीख जाएंगी और फिर मैं इसको उसमें रख दूँगी। जब ये आएँगे तो मैं ओटीजी में इसको एक बार ही और गर्म कर दूँगी या माइक्रोवेव में नहीं करूँगी, क्योंकि माइक्रोवेव में कभी भी कचौड़ी समो ये सब चीज़ें गर्म करो तो जीप हो जाती है। तो मैं सोच रही हूँ ओटीजी में इसको दोबारा गर्म करके, या तो दाल तो गर्म होगी उसमें डाल दूँगी। चलिए फिलहाल ये बन रही है और मैं सोच रही हूँ मैं आज चूमा भी बनाऊँ, तो मैं पूरा देसी ही खाना मतलब पूरा राजस्थानी प्लेट बनाऊँगी। तो मैं मिर्च भी लाई थी, तो फिलहाल मिर्च भी अभी फ्राई करती हूँ। और बाटी जो है वो बस सीख ही गई थी, तो मैंने प्लेट में निकाल ली थी। और जब ये फटने लग जाती है, देखो साइडों से फट रही हैं, तो ये पक जाती हैं तो अपने आप फटने लग जाती हैं। तो बस ये तैयार हो चुकी थी अच्छे से और फिर यहाँ पे देखिए अंधेरा था, तो मैंने जो आग बची थी उस पर हांडी रख दी थी कि जिससे और सिकती रहे। तो यहाँ मैं मल रही थी उसका चूरमे के लिए आटा, तो मैंने लिया था 2 कटोरी आटा, आधी कटोरी सूजी और इसमें मैंने डाला था 4 चम्मच घी। तो इसको गर्म पानी गर्म मतलब गर्म दूध से नहीं, आपकी मर्ज़ी है आप जैसे मलिए, मैंने दूध से इसे मल लिया था। और मलने के बाद मैंने इसे आधा पौना घंटा रेस्ट के लिए रखा था, तो उससे जो होता है ना
वो काफ़ी अच्छे बनते हैं। जैसे हम मोमो से कुछ भी बनाते हैं तो आटा मल के उसे आधा घंटे या पौने घंटे के लिए रख दो तो उससे ना फिर काफ़ी अच्छे से बनता है सामान। तो यहाँ पर बस आटा मल ही रहा था मेरा, तो मैंने मल लिया था आटा। तो बस इसकी मैंने लोइयाँ बनाकर और मोटी मोटी जो चपातियाँ थी वो बनाकर और उसके अंदर मैंने फोक से होल कर दिए थे कि ये फूले ना और अच्छे से अंदर से पक जाए। छेद हम इसलिए करते हैं जिससे कि इसके अंदर अच्छे से ये पक जाती है सर्व से। तो आप चाहें तो इसको बस उठा के और मुट्ठी सी बना के और इसको आप देसी या रिफाइंड में फ्राई भी कर सकते हैं। तो आज मेरा इस तरह से बनाने का मन था तो मैंने इस तरह से बना ली, क्योंकि काफ़ी ऑयल वगैरह फिर वो यूज़ हो जाता है तो हेल्थ के लिए तो आपको पता ही आजकल नुकसान देता है। तो मैंने इसलिए इसको सिर्फ तवे पे ही सेका था। और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए और शेयर कर दीजिए, और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है तो बताइएगा। तो बस यहाँ पर मैं इसमें होल कर रही थी। तो इसे ना बिल्कुल सिम आँच पे ही पकाते हैं, अगर हम फुल पे रखेंगे तो ये पक तो जाएगी लेकिन अंदर से फिर ये कच्ची रह जाती है। तो बस यहाँ पर यह था चूरमे के लिए, इसमें जा रहा था आटा वो सॉरी सूजी। और हम जब बनाते हैं जन्माष्टमी पर तो सिर्फ आटे की ही बनाते हैं। तो वहाँ मेरी बाटियाँ पड़ी थी और काफ़ी देर तक वो गर्म थी, तो यहाँ मैंने जो था इनको बनने रख दिया था रोटियों को। तो मैंने दो बारी में रखा था रोटियों को क्योंकि एक लॉट दो रोटियाँ निकल चुकी थी, दो मैंने और एक बची थी जो मैंने बाद में दूसरी बारी बनाई थी तो ये ठंडी हो चुकी थी। तो मैंने उससे कहा बेटी से कि ये ठंडी हो चुकी है तो तुम इसे मिक्सी में चर्न कर दो। और मैं ना पहले मिक्सी चलाने से बहुत डरती थी, तो मैं आपको कभी बताऊँगी इसकी क्या वजह थी। तो अब तो खैर चला लेती हूँ, लेकिन ऐसी जो चीज़ें होती हैं ना जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं तो उनको मैं नहीं कर पाती हूँ। और यहाँ ना बेटी को मैं पूछ रही थी कि तुम्हें क्या करना अच्छा लगता है, तो वो बोली कुछ नहीं। मैं कहा तुम्हें फ़ोन पे ही लगे रहना अच्छा लगता। तो ये देखिए हाँ दो थी जो बच गई थी, तो मैंने यहाँ पर ये देखिए इस तरह से सीख ली थी। और ये देखिए इसको मैं कह रही थी शहर बसा नहीं लुटेरे पहले ही आ गए, तो ये दाल निकाल के खा रही थी इसमें से। तो ये सब्ज़ी वगैरह खा लेती है अच्छे से, तो अच्छी बात है, बच्चों को वैसे भी सब्ज़ियाँ वगैरह खानी चाहिए, तो छोटी बेटी बिल्कुल नहीं खाती है। तो यहाँ मैंने टमाटर को रख दिया था और इसके अंदर जो आलू थे वो भी भून रहे थे, फिर मैंने बाद में टमाटर हटा दिया था क्योंकि ज़्यादा वो हो जाता है ना तो फिर इसके अंदर का बीज नहीं निकल पाता, तो इनको मैं देती नहीं हूँ क्योंकि स्टोन है। तो इस वजह से फिर मैंने इसके ऊपर मैंने लहसुन भी रखा हुआ है, देखिए लहसुन भी भून रहा था, आलू भी, हरी मिर्च और टमाटर। तो हांडी धो के रखी थी क्योंकि काफ़ी दिन से यूज़ नहीं हुई थी तो वो सूखी। उसके बाद मैंने इसमें तेल डाल दिया था, सरसों का तेल था जो मैंने इसके अंदर ऐड किया था। और मिट्टी के बर्तन में ना काफ़ी देर तक खाना बनने के बाद भी इसमें ना कभी देखिएगा आप उबाले आते रहते हैं क्योंकि इसकी तासीर ना गर्म रहती है नीचे से काफ़ी। तो बस यहाँ पर लहसुन डाले थे सबसे पहले ही, और यहाँ मेरी जो थी चूरमा बनकर तैयार हो चुका था। तो वहाँ दाल का तड़का भी तैयार हो रहा था और मंदी आँच पे ही बन रहा था तो थोड़ा टाइम लग रहा था, धनिया भी काट लिया था मैंने। तो मैंने ना दाल उबलते समय भी लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाला था, तो अभी मैंने थोड़े से काटे थे। मुझे वैसे लहसुन काफ़ी अच्छे से पसंद है तो इनको नहीं आते, तो मैंने थोड़े से डाल ही दिए थे इसके अंदर। तो मैंने ना इसमें हींग पहले ऐड नहीं करके मैं भूल चुकी थी, तो मैंने अब इसमें हींग भी डाल दी है। और यहाँ देखिए प्याज भी ब्राउन होने लगे ही हैं और मैं इसमें लहसुन और अच्छे से डालती हूँ। लेकिन ना मेरे हस्बैंड को ज़्यादा लहसुन ना देखेंगे तो भी वो छोड़ते हैं, तो मैंने उबलते टाइम भी डाला था और अब भी डाल दिया है। तो ऐसे भुना हुआ था ना ब्राउन होते जो हो जाता है तो इसका बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है दाल में। चलिए, और मैं ना इसमें साबुत मिर्च डालना भूल गई हूँ, तो आप जब भी करिएगा तो साबुत मिर्च डाल दीजिए, खाने में बड़ी अच्छी लगती है जब वो फ्राई हो जाती है ना लाल वाली मिर्च, तो मुझे तो बहुत पसंद है, आपका पता नहीं मुझे। तो चलिए फिलहाल इसको होने देते हैं थोड़ा सा और ब्राउन। और गाइस अगर आप लोग हमारी रेसिपी जो है वो शेयर मतलब आप बनाओगे या कुछ भी करोगे तो प्लीज़ आप लोग हमें बोलिए, हम दोनों की किसी की भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इंस्टाग्राम की, आप फोटो ज़रूर शेयर करोगे और फीडबैक शेयर करोगे कि कैसा बना, क्या है, क्या नहीं, तो हम उस चीज़ का वेट करेंगे। जो हम लोगों को हमारी रेसिपी शेयर करके फीडबैक देगा तो हम उसको यहाँ पर यूट्यूब पर एक शॉर्ट आउट देंगे और उसको हम कोई फ्री गिफ्ट भी देंगे, कोई भी लकी विनर हो सकता है वो, तो इसलिए ये चीज़ करना ना भूलें, कोई भी लकी विनर हो सकता है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप करेंगे हाँ उतना आप लोगों को, एक बार भी हो सकता है, दूसरी बार भी हो सकते हो, कितनी बार भी हो सकते हो, मस्ट डू एंड शो सम लव, लव यू। तो पता है मैंने थोड़ी देर ना राइस भी बना दिया कि मेरे हस्बैंड अगर ज़्यादा बोलेंगे कि मुझे ये नहीं खाना या वो नहीं खाना तो वो राइस के शौकीन है तो वो राइस खा लेंगे, तो मैंने इसलिए ना थोड़े से राइस भी बना दिए हैं। तो चलिए यहाँ हम मसाला ऐड करते हैं, मैं टमाटर बाद में डालूंगी क्योंकि बहुत अच्छे से कलर आ जाता है इस टाइम डाल दो। तो यहाँ मैंने डाला है एक चम्मच धनिया, हाफ टी स्पून है मेरी देंगी मिर्च, और जीरा मैं इसमें भुना हुआ डालूंगी, वो वाला नहीं डाल रही। तो यहाँ डाल दिया है मैंने 1 स्पून जो है जीरा,
और मैं डाल रही हूँ इसके अंदर गरम मसाला और हम इसको अच्छे से हिला लेंगे। और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर पहले थोड़ा धनिया डालूँगी, फिर बाद में और डालूँगी। और अब मैंने डाल दिया है इसके अंदर एक छोटा टमाटर और थोड़ा सा नमक डाल के मैं इसको ढक के रख दूँगी जिससे कि टमाटर अच्छे से मैश हो जाए। वैसे ये टमाटर थोड़ा भुना हुआ था तो मैं ज़्यादा नहीं भुन सकती थी, क्योंकि ना फिर बीज उसके उसमें जाते और इनको सोन है, तो इसलिए मैं बीज निकाल के यूज़ करती हूँ। तो चलिए अब मैं इसको नमक डाल के 5 मिनट ढक के रख दूँगी जिससे कि टमाटर अच्छे से गल जाएँ। तो यहाँ पर मैंने जो आलू थे वो भी रख दिए हैं जो भुन गए थे, तो यहाँ पर तड़का भी मेरा रेडी हो चुका है। तो बस मैं इसमें दाल में डाल दूँगी और इस दम पे मैं दाल को रख दूँगी, जब तक ये आएंगे तो दाल और अच्छे से दम पे पक जाएगी। तो मैंने इसके अंदर धनिया और जो था लहसुन भुना हुआ और टमाटर डाल दिया है और मिर्च भी है इसके अंदर जो मैंने भुन के रखी थी, तो मैं इसको अच्छे से पीस लूँगी पहले। और यहाँ जो है मैंने भुना हुआ आलू है उसको भी निकाल छील लिया है, तो ये इस तरह से कुछ छिला है, तो मैंने इसको छील के ना बीच में चम्मच से निकाल लिया था। तो जो मैं ये पीस रही हूँ टमाटर वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। तो इसके अंदर जो है नमक मिर्च वगैरह सब कुछ है, तो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी अभी से। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ मैं घी ऐड कर रही हूँ, तो मैं चूरमा बिल्कुल तैयार कर रही हूँ खाना। तो घी गरम हो चुका है तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ चूरमा और मैं इसी के अंदर चीनी डालूँगी कि थोड़ा मिक्स हो जाए। तो मेरा मन नहीं कर रहा अभी कि मैं शुगर को वो करूँ, पीसूँ, कुछ करूँ, तो मैं ऐसे ही डालूँगी। इसके अंदर गरम होते होते वो मेल्ट हो जाएगी। आप जितनी खाना चाहें उस हिसाब से मीठा रख सकते हैं, तो मेरे घर में मीठा बहुत कम खाते हैं, पर मैं जो है वो मीठा ज़्यादा खाती हूँ। मैंने इसलिए कम कर दिया क्योंकि मम्मी पापा दोनों को डायबिटीज़ है इसलिए। तो ये ना जल्दी से ख़राब नहीं होता, चल जाता है 1-2 हफ्ता। तो इसको मैं ढक के और फ्रिज में रख दूँगी जब बच्चों ने खाना होता है। तो वैसे ये वाला मैंने बनाया हुआ है, बस सूजी मैंने फर्स्ट टाइम डाली है, तो मैं इस और इसको ढक के रख दूँगी। और अभी मैं इसमें ना इलायची पाउडर भी मिक्स करूँगी और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डालूँगी। ड्राई फ्रूट खाओगे तुम लोग इसमें? नहीं क्यों? तो ये चोर है मतलब हर चीज़ की, दूध दही हर चीज़ की। तो चलिए, और यहाँ मेरे जो है राइस भी बॉईल हो रहे हैं, तो ज़्यादातर मैं बॉईल राइस ही बनाती हूँ क्योंकि पानी निकाल के, तो जब शादी हुई थी तब मतलब मेरे ससुराल में एक तरह से ही बनते थे, तो मैंने भी वही बनाना शुरू कर रखा है। तो जीरे वाले राइस तो मेरे घर में बहुत कम बनते हैं, अगर बनते होंगे तो कभी महीने में एक आध बार बन जाएँ तो बन जाएँ, बट मैं बॉईल ही बनाती हूँ। तो चलिए जब तक इसको अच्छे से गर्म कर लेते हैं और मैं कर लेती हूँ प्लेटिंग। तो खाना बनके रेडी हो चुका है, तो दिखाती हूँ मैंने आपको क्या प्लेटिंग की है। तो ये है आज का खाना, दाल बाटी चूरमा और साथ में मैंने बनाई है आलू और लहसुन की चटनी। तो बताइएगा कैसी लग रही है आपको। तो अभी मैं बताती हूँ आपको कैसी लगती है, आशी और आपको बताएँगे आपको कि कैसी है। तो आशी खा रही है, आशी बताएगी कैसे बन रहे हैं। क्या नंबर दोगी 10 में से? दाल में तो 10 out of 10। अरे जल्दी बोलो आपको ना, आपको पूरी प्लेट खा चुकी है। वो एक्चुअली मैं सर बताऊँ तो मैंने चूल्हे वाला टेस्ट था जिंदगी में पहली बार आज खाया है। और कैसा लगा तुम्हें? अच्छा लगा। तो ये तो मैं खाती रहती हूँ, क्या बोलते हैं इसको, चूरमा। चूरमा बोलते हैं हम लोग इसको, पंजीरी बोलते हैं पंजाबियों में। तो इसको भी 10 out of 10, इस चटनी को भी 10 out of 10। अब मैं इसको टेस्ट करके बताती हूँ। ये हमारे घर की सबसे बड़ी चटेरू है। अच्छा, अगर आप इसे खाने की वीडियो भेजिए तो ये स्पेशली मुझसे वही खाना बनवाएंगी।